सो हाय एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि आज का ये पहला लेक्चर है जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं गाइस फ्रॉम एससी वर्मा। सो गाइस, आप इस समय देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का भी चैप्टर, उसके भी सोल्यूशन चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 2:1 के रेशियो में होगा, तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, तो बहुत ही सिंपल है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई हैव गिवन हियर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो मिरर इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है गाइस, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका दिया गया है दैट इज 40 सेंटीमीटर फॉर द कॉनकेव मिरर एंड जो u है दैट इज 30 सेंटीमीटर एंड दे आर आस्किंग v। तो बड़ा सिंपल है, सीधा साधा क्वेश्चन है। चलिए कैसे करते हैं, कैसे, तो ये देखिए हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये तो यहाँ पर दिया गया कोई इल्यूमिनेटेड सोर्स है जो कि 30 सेंटीमीटर ऐसे सामने रखा हुआ है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, तो देखिए जो साइन कन्वेंशन आई एम यूजिंग वो एक्स एक्सिस आप ऐसे लेते हैं, तो ये मैं ओरिजिन मानूंगा, ठीक है, पॉइंट जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जो कि पोल भी बोला जाता है। तो ये जो पोल वाला पॉइंट है गाइज, इसको मैं ओरिजिन मानूंगा और इधर की तरफ पॉजिटिव मानूंगा, ऊपर पॉजिटिव मानूंगा, जैसे आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है एग्जैक्टली सेम, इधर की तरफ का जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी टेकन एज अ माइनस और जो नीचे रहेगा दैट विल बी आल्सो टेकन एज माइनस। तो अब देखिए जो मिरर इक्वेशन है दैट इज 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f एंड वी शुड बी नोइंग कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज r इज इक्वल टू 2 times f, तो f की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर r/2, यानी कि यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 2/r, क्या रख सकता हूँ 2/r। तो u जो दिया गया है दैट इज 30 सेंटीमीटर, एक्चुअली अब साइन कन्वेंशन के साथ हम लेंगे तो माइनस हो जाएगा बिकॉज वो लेफ्ट साइड में है और मैथ्स में हमेशा ही लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया गया है, इसलिए u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। r भी देखिए, आप रेडियस देखिए, यहाँ पर जब आप ऐसे सर्कल बनाएंगे तो रेडियस इज वेयर, दिस साइड द रेडियस इज हियर, तो r यहाँ पर -40 है। अब हमें निकालना है v, तो हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू दैट इज -30, v पता करना है एंड दिस इज -40, तो गाइज इसको काटा पीटी मचा दो एंड दिस इज 1/-20, तो वी 1/v इज इक्वल टू 1/30 -1/20, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 20 - 30/600 दैट इज -10/600 विच इज, तो यहाँ कि v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बन रही है, माइनस का मतलब है कि इस साइड आपकी इमेज बन रही है दैट इज -60 सेंटीमीटर। आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइज बिकॉज इट वॉज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या डेटा दिया गया है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये भी कॉनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चन है गाइस। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मैंने लिख लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑन अ स्क्रीन प्लेस 5 meters अवे फ्रॉम द मिरर। तो 5 meters v है इसका, नेगेटिव है बिकॉज रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज कैसे पता बना रहा है, बिकॉज स्क्रीन पे बन रही है गाइस। कहाँ पे बन रही है, जो रियल इमेज होती हैं वो स्क्रीन पे बनती हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज इज 50 सेंटीमीटर दैट इज ऑल्सो गिवन हियर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि यू भी हमको निकालना है यू। अब देखिए इट्स वेरी इजी गाइस, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज इज 5
50 upon 20, दोनों का रेशियो इज 5/2 एंड v इज माइनस ऑफ माइनस 5। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ही रखना होगा, यानी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, एंड यू नीड टू फिगर आउट u। और ये देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया गाइस, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया है और u की वैल्यू जो आई है दैट इज 2 meters। तो ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखा जाएगा, तो u जो है आपका बेसिकली माइनस 2 meters है। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्यों नहीं आया? बिकॉज देखें जो रियल इमेज है वो आपकी नीचे बनी है और आपको यहाँ पर भी जो है माइनस ही लगाना चाहिए था, जिसकी वजह से वो माइनस कट जाता। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 meters यहाँ पर आ गई है, माइनस 2 meters। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। दिस इज बेसिकली माइनस 1/2 + 1/v, वो भी पता है अपने को, माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/f। नाउ टेक एलसीएम, माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/f। दिस इज माइनस f इज इक्वल टू बेसिकली माइनस 10/7, तो 7 × 7 और 3 बचा 7, 4 × 28, 2 बचा 27, 7 × 7, 3 × 7, 4 × 22 बचा ना, तो 1.42, तो माइनस 1.42 meters। ये सब मीटर में रखा गया है, इसलिए आपका आंसर आया। फोकल लेंथ आपको नेगेटिव ही आएगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नेगेटिव है लेफ्ट साइड में। तो आई ऑलवेज कीप मिरर लाइक दिस सो दैट आई कैन फॉलो कौन सा कन्वेंशन गाइस, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला कन्वेंशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखते कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इट्स गिवन दैट कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो लेट्स राइट कि क्या गिवन है, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फाइंड द पोजिशन और पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। तो v इज 2 times u, ठीक है, यही हुआ। फॉर विच द इमेज साइज इज डबल टू द ऑब्जेक्ट साइज, ऐसे कैसे कर दिया, बिकॉज सी जो मैग्निफिकेशन इज दैट इज m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, तो डबल साइज का मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने साइन को नहीं लिया है, जस्ट ऐसे ही, तो v इज इक्वल टू 2 times u, ये रिलेशन यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपकी जो इमेज है, बिकॉज जो कॉनकेव मिरर है वो दोनों टाइप की इमेज बना सकता है गाइस, वो कैसी इमेज बना सकता है, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी इमेज बना सकता है, इसलिए दोनों ही केस यहाँ पर लेके तभी पोजीशंस वाली हिंट को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो सी अगर मैं ये यूज़ करता हूँ 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो देखिए यहाँ पर u को अगर मैं रखता हूँ निगेटिव, वो मुझे ऑब्वियसली रखना होगा माइनस 1/u, बिकॉज ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पुट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। और जो v है अगर मैं उसको इधर साइड करता हूँ यानी रियल बनाता हूँ, तो निगेटिव रखूँगा, तो लेट्स पुट दिस माइनस 1/2u रियल के लिए, और जो f है दैट इज़ बेसिकली निगेटिव, तो दैट इज़ माइनस 1/20। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट विल बी माइनस 2u एंड दिस इज माइनस 3/2u इज इक्वल टू माइनस 1/20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू बेसिकली दिस इज 10, तो u इज 30 सेंटीमीटर। तो ये पहले ही आपने लगा दिया था इसमें कि माइनस साइन है, ठीक है, इसलिए ये लेफ्ट की तरफ है, यानी कि रियल के केस में जो u है दैट शुड बी कैप 30 सेंटीमीटर दिस साइड।
ठीक है, कन्वेंशन, बिकॉज साइन कन्वेंशन आपने यहीं पर लगा लिया था, इसलिए नहीं लगाते तो वो अपने आप आ जाता। अब सेकेंड केस, सेकेंड केस गाइज, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। नाउ व्हाट यू वांट टू टेक इज दैट कि आप जो v है उसको अभी आप नेगेटिव ले रहे थे बिकॉज यू आर थिंकिंग कि इधर होगा, लेकिन अब आप उसको क्या करें, पॉजिटिव ले लें, यानी कि ऐसे बाकी चीज़ें वैसे ही रखेंगे, ठीक है। आप देखो क्या हो गया, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई ट्वेंटी, माइनस माइनस काटा कुटी, ठीक है, टू से भी काट दो एंड यू इज टेन सेंटीमीटर। तो इस बार यू क्या है, टेन सेंटीमीटर है, तो यानी जब आप यू को टेन सेंटीमीटर रखते हैं तब आपका बनता है क्या कहते हैं उसको, वर्चुअल इमेज, ठीक है, और जब 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो बनता है रियल इमेज, ठीक है। अब ये आप समझ सकते हैं कि वो जो कॉनकेव मिरर होता है, अगर आप फोकल लेंथ के अंदर रखें, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, अगर आप इस साइड रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, जब आप इधर रखते हैं तो रियल इमेज बनती है। तो सही आया ये, 10 सेंटीमीटर इज लेस दैन 20 सेंटीमीटर, दैट्स वाई इट्स अ करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, और 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवेन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पड़ रहा है, जिसके कारण हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द फोकल लेंथ इज गिवन एज 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द, सो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वी हैव टू फाइंड आउट इफ द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म्ड इज दैट इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज, 0.6 सेंटीमीटर इज इन साइज, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन दिस, सो दिस इज 6/10 यानी कि 3/5, दिस इज मैग्निफिकेशन 3/5। द फॉर्मूला इज माइनस वी बाई यू, सो बेसिकली यू कैन राइट कि v इज इक्वल टू माइनस 3/5 टाइम्स u। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला में, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, दैट इज गिवेन एज 7.5 विच कैन बी रिटन एज 10, 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15, 2/15, ठीक है, और v की जगह आप रख दीजिए माइनस 3u एंड हियर इट इज 5, तो 3 माइनस 3 तो यहाँ पर माइनस 3, तो 5 माइनस 3 यानी कि माइनस 3u/2 इज इक्वल टू 15/2, तो काटापीटी, एंड u इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका u जो है वो माइनस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज लास्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, कैंडल फ्लेम 16.6 सेंटीमीटर हाई इज इमेज्ड इन अ बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड इफ द बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर away from the flame, that is u is equal to minus 20 centimeter, क्योंकि इधर ही रहेगा, and if the ball bearing, okay, find the location and height of the image, find the location and height of the image, ठीक है, magnification का use करना पड़ेगा। अब देखो diameter अगर आपका 0.4 centimeter है,
तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन इसका फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। फॉर्मूला सेम ही है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई यू इज बेसिकली माइनस 20 आपको रखना पड़ेगा, 1 बाई वी यहाँ से निकाल लेंगे अभी, और दिस इज 1 बाई 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 10 बाई 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर भेज दूँ 1 बाई वी, तो दिस विल बिकम 1 बाई 20 प्लस, अब इसको मैं 10 बाई 1 है तो 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस इज बेसिकली 200। ठीक है, तो 201/20 इज दैट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि v की वैल्यू आ रही 20/201। तो बेसिकली आप देखोगे 20/2, तो इसको यही मान लो कि 1/10 है, यानी कि v जो है वो 0.1 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि अंदर यहाँ पर कहीं 0.1 सेंटीमीटर अंदर इमेज आपकी बनी है। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज़ माइनस वी बाई यू, तो मैग्नीफिकेशन v कितना आया, ये तो पॉजिटिव आ गया, इसलिए माइनस 0.1 सेंटीमीटर, u वॉज 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब, सो दिस इज माइनस 1/116, दिस इज़ योर मैग्नीफिकेशन। एंड सो बेसिकली व्हाट आई हैव पुट, माइनस वी कितना बताया अभी मैंने 0.1, और u जो है वो 20 है बेसिकली, और यहाँ हाइट ऑफ इमेज आपको पता करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी आई थिंक प्रॉपरली हो गया है सब कुछ। अब यहाँ पर देखिएगा, आप इसको कट कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज इज -16/2000, हाइट ऑफ इमेज इज -16/2000। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 8 हो गया, तो 8/1000 यानी कि 0.0008, ठीक है, 0.008। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आपकी 0.008 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपकी वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बननी है, इसलिए ये जो मैग्नीफिकेशन है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ इमेज भी आपकी क्या होगी, अब साइड ही बनेगी, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट इज़ 0.008 सेंटीमीटर। सो गाइज, वी हैव स्टार्टेड नाउ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सॉल्यूशन, एंड कल हम लोग अब देखेंगे मैग्नेटिज्म के सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।